आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 22 जनवरी सोमवार का दिन 2024 सन वास्तव में ऐतिहासिक रहा। रामलला विराजे अयोध्या राम नगरी में, तो दूसरी तरफ भगवान शिव की नगरी सिवनी जलसा रहा, उत्सव का माहौल रहा, जगह जगह भंडारे हुए। लोगों ने इस दिन सोमवार 22 जनवरी 2024 को जिस तरह से खुशियां मनाई, देखते ही बन रही थी समाचार एजेंसी अशोक सोनी के। पूरे शहर में जगह जगह लोग इकट्ठे हुए थे, गाना बजाना भजन और वेशभूषा भी आप उनकी देख सकते हैं, किस तरह से ढोल मंजीरे बजाते हुए सारे के सारे यहाँ से गुजरते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में वो लाश देखते ही बन रहा है 500 सालों के विवाद का पटाक्षेप जो हुआ था इस दिन। रामलला का बाल विग्रह स्वरूप अयोध्या नगरी में, पावन धरा अयोध्या राम नगरी जिसे कहते हैं, वहां पर रामलला विराजे और भगवान शिव की नगरी में जगह जगह उल्लास देखने को मिला। लोगों के अंदर एक अलग भावना दिखाई दे रही थी, पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से सभी के द्वारा इस दिन का पूरा योग किया गया। ये देखिए, महिलाएं बच्चियां यहां पर सर पर कलश रखे, सर पर सामग्री पूजन सामग्री रखकर देखिए चले जा रहे हैं। पुरुष भी पीछे नहीं हैं, बालिकाएं बालक भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। शिव की नगरी सिवनी का ये एक बहुत, ये कहा जाए कि गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की एक सांस्कृतिक विरासत है। लोग इसे बहुत सहेज कर रखे हुए 22 जनवरी का दिन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, रामलला के मंदिर का यहाँ एक प्रतिकृति तैयार की गई है। एक प्रतिकृति हमने आपको और दिखाई थी, वो प्रतिकृति भी आपने देखी होगी यहाँ। ये देखिए, ये बुजुर्ग माता जी किस तरह से डांस कर रही हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। उन्हें बिठाल दिया गया क्योंकि उनकी आयु बहुत ज़्यादा है, वो गिर ना जाए, असंतुलित होकर उन्हें चोट ना लग जाए, इसलिए उन्हें बिठाला गया था। पर उनके उल्लास देखते बन रहा था। घरों के बाहर देखिए फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे, रंगोली सजी दिख रही होगी। राम मंदिर है, ऐतिहासिक राम मंदिर, शिव की नगरी का ऐतिहासिक राम मंदिर, और राम मंदिर के आसपास चहल पहल आपको दिखाई दे रही होगी। महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। शुक्रवारी बाजार में गांधी चौक यहाँ पर लोगों को पूरा प्रसारण, सजीव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट देखने की व्यवस्था की गई थी। जगह जगह ये देखिए, दिए आपको यहाँ बिकते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लोग अपने घरों में दिए लगा रहे हैं और दिए हर जगह आपको बिकते हुए दिखाई दिए होंगे। मिट्टी के दिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बिके। लोगों का कहना था कि इसे, ये देखिए यहाँ पर रंगोली डालती हुई एक छोटी बालिका आपको दिखाई दे रही होगी। लोगों का स्पष्ट कहना था कि छोटी दिवाली के रूप में 22 जनवरी 2024 को सदा ही याद रखा जाएगा। ये बाल स्वरूप देखिए, हनुमान जी के भेष में, हनुमान जी का भेष धारण किए हुए एक छोटा सा बालक आपको दिखाई दे रहा होगा। नेहरू रोड को पूरी तरह भगवामय कर दिया गया था। नेहरू रोड में आप देखिए भगवान शंकर की एक यहाँ पर दिखाई दे रही होगी प्रतिमा, यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। और ये देखिए, गाजे बाजे के साथ लोग चले जा रहे हैं, अपना उल्लास प्रकट कर रहे हैं, उत्साह जता रहे हैं। बहुत ही धर्ममय वातावरण नजर आ रहा था। भगवान राम सीता के भेष में यहाँ पर उनके स्वांग रचे हुए यहाँ दिख रहे होंगे, भेष धारित किए हुए भगवान राम और माता सीता की प्रतिकृति बनाए हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं।
कितना सुंदर नजारा, कितना अनुपम नजारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। महावीर मड़िया का भी हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। महावीर मड़िया में 11 फीट की अगरबत्ती एक बनाकर उस अगरबत्ती को जलाया गया, प्रज्वलित किया गया। 11 फीट की अगरबत्ती ये आकर्षण का केंद्र बनी रही सिवनी में। भगवान राम और माता सीता की रूप में यहाँ पर एक आप दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, अब हम आपको लेकर आए हैं एक और देवालय में। इस देवालय को देखिए यहाँ किस कदर सजाया गया है। वैसे तो सारे देवालयों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था सिवनी शहर में। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सोमवार 22 जनवरी को मानो दिवाली आ गई। देखिए माता का यहाँ पर आपको सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा होगा। बहुत इन बातों को शब्दों में व्यक्त करना निश्चित रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। माता यहाँ पर विराजी आपको दिखाई दे रही होंगी और चारों तरफ माता के पुष्प से सजावट की गई है। वास्तव में मन को आह्लादित करने वाले नयनाभिराम दृश्य सोमवार 22 जनवरी को दिखाई दिए। जगह जगह भंडारे हुए, जगह जगह भजन संध्या का आयोजन हुआ, लोगों ने भजन गाए। ये देखिए कितना सुंदर पूरा भगवामय कर दिया गया था शहर को। ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या उतरकर शिव की नगरी में आ गई हो। अयोध्या शिव की नगरी जैसी प्रतीत हो रही थी। ये देखिए यहाँ पर भंडारा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। भंडारा लगातार दिन भर भंडारे चलते रहे पूरे शहर। सुबह 10 बजे से जो भंडारा आरम्भ किया गया, जगह जगह देर रात तक भंडारे चलते रहे। कहीं दुग्ध वितरण हुआ, कहीं खिचड़ी पुलाव बटा, कहीं खीर पूड़ी बटी, तो कहीं हलवा बांटा गया, कहीं दूध बांटा गया। इस तरह से पूरे शहर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पर्व को बहुत ही धार्मिक भाव से मनाया गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं हवन पूजन सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक छोटी सी बच्ची आपको नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। वास्तव में सोमवार 21 जनवरी 2024 का दिन अंकित हो गया है लोगों के मानस पटल पर। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही कि हमारे राम आ गए हैं। 500 सालों की कठिन तपस्या, 500 सालों का कठिन संघर्ष, आज की युवा पीढ़ी शायद इस संघर्ष से भलीभांति परिचित ना हो। जो 1990 के बाद संघर्ष हुए हैं, 1990 के बाद जो जतन हुए हैं, उन जतनों से युवा पीढ़ी शायद परिचित ना हो, पर अधेड़ हो रही पीढ़ी को ये सारी चीजें भली भांति पता होगी। किस तरह से अयोध्या में भगवान राम को उनके टेंट से निकालकर भगवान राम के महल में ले जाने में कितने मशक्कत हुई, कितने शूल उस मार्ग में बिखरे रहे। हर देशवासी इस बात में खुश है, प्रसन्न है। हर पर्थ, हर पंथ, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग इस बात से खुश हैं कि उनके राम आ गए हैं। अयोध्या में भगवान राम विराजे तो शिव की नगरी में खुशी का ठिकाना नहीं रहा लोगों का। लोगों के द्वारा जगह जगह आयोजन किए गए। पौ फटते ही सुबह सवेरे से ही लोग भजनों में डूब गए, राम का नाम लेते हुए दिन भर जो एक दूसरे से मिले सलाम दुआ नमस्कार की बजाय राम का नाम की जुबान पर दिखाई दे रहा था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी भजन कीर्तन करती हुई दिखाई दे रही होंगी। सब तरफ यही नजारा था भगवान राम के आगमन। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 22 जनवरी को, आने वाले सालों में 22 जनवरी को कहीं छोटी दिवाली मनाना आरंभ ना कर दिया जाए। जगह जगह भंडारे, जगह जगह पूजन अर्चन, जगह जगह आरती, जगह जगह हर तरह के
काम आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जिस तरह से पूरा दिन लोग लगे रहे एक दूसरे से मिलकर, ये देखिए भजन कीर्तन सब कुछ जारी रहा 22 जनवरी 2024 को। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे आप जिस गली से निकल जाएं, जिस सड़क से निकल जाएं, जिस मोहल्ले से निकल जाएं, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आप अयोध्या में ही भ्रमण कर रहे हों। ऐसा कतई प्रतीत नहीं हो रहा था कि आप अयोध्या के बाहर हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन किया गया अयोध्या में, उसका भी सजीव प्रसारण लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था जगह जगह की गई थी। देवालयों में भी इसकी व्यवस्था की गई थी। वास्तव में जो नजारा था, उस नजारे को लोगों की जो अभिव्यक्ति थी, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।